दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको एक बेहद शानदार गेम दिखाएंगे जिसमें व्हाइट के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत चेकमेट देखने को मिलेगा। तो इस गेम में ब्लैक की कुछ ही चालों में व्हाइट के अटैक के सामने मात हो जाती है। तो मैं हूं रवीश और आप हमारा यूट्यूब चैनल द मास्टर ट्रिक्स देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत होती है e4, e5 और बिशप c4 ओपनिंग के साथ, यानी कि यहाँ पर बिशप ओपनिंग खेला गया है और ये बिशप देखिए f7 पर अटैक कर रहा है। इसके बाद फिर व्हाइट के बिशप c4 के जवाब में ब्लैक d6 खेलता है और फिर व्हाइट खेलता है नाइट f3। तो यहाँ पर फिलिडोर डिफेंस खेला गया है और अब ब्लैक यहाँ पर खेलता है h6। तो h6 खेले जाने के पीछे उसका उद्देश्य होता है g5 के स्क्वायर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आगे चलकर व्हाइट का नाइट जो है f3 पर जो है और g5 पर आ सकता है और फिर नाइट g5 और बिशप c4 मिलकर f7 पर डबल अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर h6 खेला गया ताकि नाइट को g5 पर आने से रोका जाए। और इसके बाद फिर व्हाइट यहाँ नाइट c3 खेलता है, फिर ब्लैक यहाँ नाइट f6 खेलता है, जिसके बाद फिर व्हाइट यहाँ कैसल कर लेता है और ब्लैक c6 खेलता है। तो इस c6 के जवाब में व्हाइट d4 खेलता है, जिसको e5 से ब्लैक कैप्चर कर लेता है और फिर इसको अपने क्वीन से व्हाइट कैप्चर करता है d4 को। इसके बाद फिर ब्लैक खेलता है बिशप e7, यानी कि उसका इरादा यहाँ पर कैसल करने का है। तो व्हाइट यहाँ e5 खेलता है, ब्लैक d6 से e5 को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद फिर क्वीन से e5 को व्हाइट कैप्चर कर लेता है। तो जैसा कि ब्लैक का प्लान यहाँ कैसल करने का है तो वह यहाँ पर अब कैसल कर लेता है और उसके बाद फिर व्हाइट खेलता है बिशप d3। तो अब व्हाइट का इरादा ब्लैक के तीन साइड पर अटैक करने का है, लेकिन इसके बाद ब्लैक यहाँ खेलता है बिशप d6। तो बिशप d6 खेले जाने के पीछे उसका उद्देश्य होता है एक तो व्हाइट के क्वीन पर अटैक करना और दूसरा नाइट को g4 पर लाकर बिशप के सपोर्ट से h2 पर अटैक करना। हालांकि यह h2 f3 के नाइट से प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर व्हाइट खेलता है क्वीन e1 और क्वीन e1 खेले जाने के बाद ब्लैक यहाँ खेलता है रुक e8। तो इस रुक से देखिए अभी व्हाइट की क्वीन पर अटैक है, तो ब्लैक के इस रुक के जवाब में व्हाइट यहाँ पर खेलता है बिशप e3। तो अब देखिए जो व्हाइट का e3 का बिशप है वह पिन है, क्योंकि अगर बिशप को हटाया गया तो व्हाइट की क्वीन ब्लैक के रुक से जा सकती है। तो इसके बाद फिर ब्लैक यहाँ पर खेलता है नाइट g4। तो नाइट g4 खेलने के पीछे उसका उद्देश्य एक तो h2 पर अटैक करना है, दूसरा e3 का जो बिशप है उसको भी कैप्चर करना है। तो अब व्हाइट यहाँ पर खेलता है क्वीन c1 और इसके बाद फिर ब्लैक e3 के बिशप को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद फिर व्हाइट अपने f2 से इसको कैप्चर करता है और इसके बाद फिर देखिए ब्लैक खेलता है क्वीन b6। तो अब ब्लैक का इरादा व्हाइट को चेक देने का है, लेकिन अब व्हाइट यहाँ पर खेलता है नाइट d4 और उसके बाद फिर देखिए ब्लैक के द्वारा c5 खेला जाता है। तो अब व्हाइट के इस नाइट को यहाँ से हटना होगा, तो व्हाइट इस नाइट को खेलता है f5 पे। f5 खेले जाने के बाद जो d6 पर ब्लैक का बिशप है उस पर खतरा है कि व्हाइट यहाँ पर अपने नाइट से इस d6 के बिशप को कैप्चर कर सकता है। तो यह बिशप ब्लैक खेलता है f7 पर, तो f7 पर ले जाने से जो g7 है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो व्हाइट यहाँ पर खेलता है क्वीन d1, यानी कि उसका इरादा अब व्हाइट के किंग साइड पर आकर अटैक करने का है, लेकिन इससे b2 अनप्रोटेक्टेड हो जाता है और ब्लैक यहाँ b2 को कैप्चर कर सकता है, लेकिन व्हाइट इसको इग्नोर करते हुए क्वीन d1 खेल देता है, जिसके बाद फिर ब्लैक खेलता है नाइट c6 और फिर अब व्हाइट खेलता है क्वीन g4। तो अब व्हाइट का इरादा बिल्कुल साफ है, वह ब्लैक के किंग साइड पर अटैक करने के लिए तैयार है और इसके बाद फिर ब्लैक यहाँ अपने बिशप से f5 की नाइट को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद व्हाइट अपने क्वीन से बिशप को कैप्चर करता है और अब ब्लैक के द्वारा खेला जाता है g6। तो g6 खेले जाने से देखिए व्हाइट क्या करता है, क्वीन से f7 को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद यहाँ ब्लैक के किंग को चेक है
और उसके पास अब केवल एक ही स्क्वायर है मूव करने के लिए, वह है यच एट का। तो किंग यच एट पर चला जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ब्लैक के लिए भारी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि व्हाइट यहाँ पर रूक क्वीन और बिशप के सपोर्ट से वह ब्लैक को चेकमेट करने के लिए तैयार है। इसके बाद क्वीन से जी सिक्स को ब्लैक के व्हाइट कैप्चर कर लेता है, और इसके बाद फिर ब्लैक यहाँ पर खेलता है रुक डी सेवन, और इसके बाद फिर व्हाइट खेलता है रुक एफ सेवन। तो अब इस रुक को कैप्चर करना ब्लैक के लिए ज़रूरी है, नहीं तो क्वीन एच सेवन चेकमेट है ब्लैक की। तो ब्लैक यहाँ इस रुक को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद क्वीन से इस रुक को व्हाइट कैप्चर कर लेता है। और अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक यहाँ पर खेलता है बिशप जी सेवन, जिसके बाद फिर व्हाइट यहाँ पर खेलता है क्वीन जी सिक्स, और इसके बाद फिर ब्लैक का किंग आता है जी एट पे, और इसके बाद फिर व्हाइट खेलता है बिशप सी फोर। तो बिशप सी फोर से देखिए यहाँ किंग को एक बार फिर से चेक है ब्लैक के, तो किंग वापस यच एट पर चला जाता है, और उसके बाद एक बार फिर से व्हाइट खेलता है बिशप डी थ्री। इस बार फिर से किंग जी एट पर आता है, और अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर व्हाइट अब खेल देता है रुक एफ वन, जिससे कि यह फाइल जो है पूरी तरीके से ब्लैक के लिए ब्लॉक हो जाए, यानी कि किंग यह फाइल पर ना आ सके, और फिर क्वीन को यह सेवन पर ले जाकर ब्लैक का खेल खत्म किया जा सके। तो अब देखिए यहाँ पर ब्लैक का खेल खत्म होने वाला है, वह खेलता है नाइट ई फाइव। तो नाइट ई फाइव खेले जाने से हालांकि उसका डबल अटैक ज़रूर है क्वीन और बिशप दोनों पर, लेकिन उसके पास अब मौका नहीं है, क्योंकि उसका खेल यहाँ पर खत्म है अगली ही चाल में। अब इसी के साथ व्हाइट खेलता है क्वीन एच सेवन, और ये यहाँ पर ब्लैक की चेकमेट हो जाती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से व्हाइट ने यहाँ पर ब्लैक पर अटैक किया और उसका खेल खत्म कर दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।